अब मुझे क्षमा कर देना। एक बार कौशल्या का मिट्टी खाने का मन बन गया और अरुंधति से उन्होंने ये बात कही कि हे गुरु माता, अरुंधति जिन्होंने पता नहीं कितने पुत्र देखे इनसे पहले, इनके ससुर के ससुर को, ससुर के ससुर को देखा है, पता नहीं कितने पैदा कर दिए उसने, रघु, दिलीप, अंशुमान, भागीरथ, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, खड़बांग, अज, दशरथ पैदा हुए उसके साथ, तो कितनी बड़ी है। एक बार मृतिका खाने का मन बना उनका कि मैं एक बार मिट्टी अपनी जिह्वा पे रख लूं, और स्वयं सरयू के तट से जब वो उन कणों को बटोर रही थी तो एक धुति आभा, उन्हें लगा विद्युत एक साथ उनके हाथ आ गए हो, फिर धरती एक साथ सिमट गई, धरती की गंध ने, धरती के तेज ने उनके हाथों में स्पर्श किया, क्योंकि अरुंधति जिस मिट्टी के कणों को चुन रही है कि वो जिह्वा पे रखे जाएंगे कौशल्या के द्वारा, श्री देवी प्रकट हो गई और श्री देवी एक साथ तड़ित विद्युत आभा के साथ धरती में समाहित हो गई और उन्होंने उभय तत्व को स्पर्श किया। पूछा था कौशल्या ने, कहे गुरु माता, इसमें केवल धरती का ही स्वाद नहीं, इसमें अंबर की भी आभा है, ऐसा लगता है बिजली मेरी जिह्वा पर आ गई हो, ये है क्या? तो उन्होंने कहा कि वो विद्वता, वो दिव्य आभा कोई और नहीं, श्री जी हैं और ये धरती माता हैं। धरती माता यानी भूदेवी ने और लक्ष्मी माता माने श्री ने समन्वित ये औषधि भेजी है। जिह्वा पर केवल फल नहीं, केवल रस नहीं, केवल अन्न नहीं, केवल खट्टा मीठा चरपरा और वो क्या क्या शब्द हैं राम जाने, ये तो आप जाने, या तो राम जाने, हम सन्यासी क्या जाने, हम वैद्य होते तो जान सकते थे, और एक तरह से तो वैद्य भी होता है साधु गुरु, राम नाम की औषधि बांटता है तो वैद्य ही तो हुआ। शरीरे जर्जरी भूते व्याधि ग्रस्ते कलेवरे, औषधम जाह्नवी तोयम् वैद्यो नारायणो हरिः। वैसे तो शास्त्र यही कहते हैं कि कोई औषधि पर विचार किया जाए, जाह्नवी तोयम्। हमारे महापुरुषों का और शास्त्रों का ऐसा कहना है कि जब कोई औषधि काम न करे तब गंगा जल से बड़ी कोई औषधि नहीं है। औषधम जाह्नवी तोयम्। जब कोई उपाय यत्न और किसी प्रकार के चिकित्सा काम न करे तब वैद्यो नारायणो हरि, तब वैद्य नारायण हैं, वही चिकित्सक हैं, उनका ध्यान किया जाए, गंगा का पान किया जाए, तुलसी जिह्वा पर रख ली जाए, भगवान का भजन किया जाए और हो सकता है व्याधि का शमन भी हो जाए। शरीरे जर्जरी भूते हैं,